नमस्कार, मैं आपकी होस्ट मनीषा फिर एक बार हाजिर हूँ बॉलीवुड की एक नई खबर के साथ में। और आज की जो खबर है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। अब हम सभी को स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन इस तरह की फिल्में देखना पसंद है। बच्चे तो पसंद करते हैं, लेकिन बड़ों को भी ऐसी फिल्में देखना काफ़ी पसंद होती हैं। तो आपको 90 के दशक का शक्तिमान ज़रूर याद होगा। जी हाँ, जिसे प्ले किया था खुद मशहूर एंड वन एंड द ओनली वर्सेटाइल एक्टर मुकेश खन्ना जी ने, जिन्हें आपने महाभारत में भीष्म पितामह के रूप में भी देखा था। और अब वो फिर एक बार शक्तिमान को बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने रणवीर सिंह से बात कर रहे हैं। वो रणवीर सिंह से उनकी बात हो रही है शक्तिमान के किरदार को प्ले करने के लिए। हालांकि रणवीर सिंह ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। और आज का दिन रणवीर सिंह के लिए खास है, क्योंकि वो अपना 37वां बर्थडे मना रहे हैं। तो ऐसे में देखना है कि क्या रणवीर सिंह शक्तिमान सीरियल के लिए शक्तिमान मूवी के लिए, क्योंकि अभी बड़े पर्दे पर आ रही है, हाँ कहते हैं या नहीं कहते हैं। क्योंकि 90 का दशक वो दशक था, ये खुद स्वदेशी हीरो था, इंडियन हीरो, जो कि बुराई को ख़त्म करके और उस पर जीत पाता था। और उस दौर में ये सीरियल काफ़ी मशहूर था, ना ही सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़े भी इसे काफ़ी पसंद करते थे। और तब TRP भी शक्तिमान की बहुत ही ज़्यादा थी और एक तरह का क्रेज़ था बच्चों में, और उससे रिलेटेड फैंसी आइटम्स जो है मार्केट में मिला करते थे, स्कूल्स के आइटम्स हों चाहे फिर कुछ ऐसे सॉफ्ट टॉयज हों, इस तरह की चीज़ें जो है मार्केट में शक्तिमान ब्रांड से मिलती थी। और अब फिर एक बार शक्तिमान का जादू बड़े पर्दे पर चढ़कर बोलने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए हमें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद है आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे अगले न्यूज़ में। नमस्कार।